ओम नमः शिवाय नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाता है और जैसा कि इस व्रत के नाम से ही पता चलता है बिल्कुल निर्जल रहकर ये व्रत धारण किया जाता है शास्त्रों के अनुसार अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है तो ऐसे में जो भक्त पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं वो आज के दिन अगर व्रत धारण करते हैं पूरी तरह से निर्जल रहकर निर्जला एकादशी का व्रत करके और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें वर्ष भर में आने वाली संपूर्ण एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और एकादशी का व्रत करने की उनकी इच्छा है, तो इस एकादशी एकादशी से वो एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं मतलब एकादशी व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं तो शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों में सबसे कठोरतम व्रतों में से एक व्रत माना गया है क्योंकि ज्येष्ठ मास की तपती हुई इस गर्मी में निर्जल रहकर व्रत धारण करना एक कठिन तपस्या के समान होता है और इस तपस्या का पुण्य फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि साल 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत कब धारण करना है एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी कब समाप्त होगी और पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही

तब ने कहा कि मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत रखने से वर्ष भर के समस्त एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है यह निर्जला एकादशी का व्रत है और निर्जला एकादशी व्रत रखने से तुम्हें यश की प्राप्ति होगी पुण्य और सुख की भी प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष भी प्राप्त होगा तब भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा और इस वजह से निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है और इस व्रत को धारण करके जो भी भक्त भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और अब जानते हैं कि साल 2022 में निर्जला एकादशी व्रत कब करेंगे और एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है कब समाप्त हो हो रही है देखिए निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ जाएगी 10 जून 2022 को सुबह 7 25 मिनट पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 11 जून को सुबह पांच बजकर पैंतालीस मिनट पर तो अब प्रश्न उठता है कि हमें व्रत कब करना चाहिए तो देखिए निर्जला एकादशी का व्रत इस बार पंचांग भेद होने की वजह से कई स्थानों पर दस जून को भी धारण किया जाएगा और कई स्थानों पर यह व्रत ग्यारह जून को भी धारण किया जाएगा लेकिन ऐसे में भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि कौन सी एकादशी सबसे श्रेष्ठ होगी मतलब 10 जून को व्रत करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा या 11 जून को व्रत करने से ज्यादा अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी तो देखिए 10 जून को एकादशी की जो तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह सात बजकर पच्चीस मिनट से एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी मतलब सूर्योदय के बाद यह तिथि प्रारंभ होगी तो तब तक दसवीं तिथि रहेगी और दसवीं युक्त एकादशी को शास्त्रों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत नहीं माना गया है ऐसे में 11 जून की जो एकादशी है वो श्रेष्ठ एकादशी रहेगी और 11 जून को एक बहुत ही शुभ बहुत ही दुर्लभ संयोग भी प्राप्त हो रहा है क्योंकि 11 जून को जो एकादशी है उसी दिन तीन तिथियों का बहुत ही शुभ और दुर्लभ संगम प्राप्त हो रहा है जैसे कि एकादशी की जो तिथि है सूर्योदय काल के समय समाप्त हो रही है यानी कि पांच बजकर पैंतालीस मिनट पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और द्वादशी तिथि भी 12 जून को सुबह तीन बजकर तेईस मिनट पर समाप्त हो जाएगी और उस समय से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है मतलब तीन तिथियां एक ही दिन में जब इतना शुभ योग प्राप्त होता है तो इसे त्रीस महा एकादशी के नाम से जाना जाता है और शास्त्रों के अनुसार ये अत्यंत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ फल देने वाला संयोग है और जो भक्त इस दिन व्रत धारण करते हैं उन्हें कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है तो ऐसे में ज्यादातर भक्त 11 जून की एकादशी का व्रत करेंगे लेकिन अगर आपके यहाँ आपके परिवार में आपके क्षेत्र में जहां पर भी आप रहते हैं वहां आसपास में 10 जून की भी एकादशी हो रही है तब भी आप बिना मन में किसी प्रकार का संशय रखे दस जून की भी एकादशी कर सकते हैं और अब बात करते हैं पारण या व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए अगर आप 10 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आप 11 जून को व्रत का पारण करेंगे यानी कि व्रत खोलेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त है 11 जून को दोपहर एक बजकर चौवालीस मिनट से चार बजकर बत्तीस मिनट तक और इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना है और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि पारण का जो समय है वो दोपहर में क्यों है क्या हम सुबह पारण कर सकते हैं देखिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं यानी कि व्रत खोल सकते हैं और हरिवासर क्या होता है देखिए द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के पहले एक चौथाई समय को हरिवासर कहा जाता है और इस समय में एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में व्रत खोलना पाप के समान माना गया है इसलिए एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए और जो भक्त 11 जून को व्रत कर रहे हैं वो 12 जून को व्रत का पारण करेंगे और उनके लिए पारण का जो शुभ मुहूर्त है 12 जून को सुबह पांच बजकर चौवालीस मिनट से सुबह आठ बजकर चौबीस मिनट तक का जो समय है ये पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है और अब बात करते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको जल कब ग्रहण करना चाहिए देखिए अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर धारण करते हैं तो ऐसे में ये व्रत होता है सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक का यानी कि जब जिस दिन भी आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं चाहे 10 जून को या 11 जून को उस दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आप अगले दिन पारण करने के समय ही जल ग्रहण करते हैं मतलब पूरे 24 घंटे से अधिक का समय होता है जब आपको निर्जल रहना होता है और ऐसे में कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या निर्जला एकादशी के व्रत में निर्जल रहना आवश्यक है क्या हम फलाहार के साथ ये व्रत नहीं कर सकते हैं तो देखिए अगर आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और निर्जल व्रत रहना चाहते हैं मतलब पूरी तरह से निर्जल रहकर इस व्रत को करने की आपकी इच्छा है तो जरूर आप निर्जल रहकर व्रत कर सकते हैं लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं निर्जल नहीं रह सकते हैं और आप चाहते हैं कि ये व्रत आप करें तो आप ऐसे में फलाहार के द्वारा भी ये व्रत धारण कर सकते हैं और अगर आप फल नहीं लेना चाहते हैं जैसे कि जरूरी नहीं है फल आप फल लें आप लिक्विड चीजें जैसे कि जूस दूध और फलों का रस लेकर भी ये व्रत धारण कर सकते हैं पानी पी सकते हैं चाय पी सकते हैं शरबत पी सकते हैं मतलब अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप इस व्रत को कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप व्रत कर रहे हैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं और फलाहार से भी कर रहे हैं या फिर जलाहार द्वारा कर रहे हैं तो भी प्रयास करना चाहिए कम से कम चीजों का सेवन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की भक्ति में उनके नाम के मंत्र के स्मरण में लगाना चाहिए इसी से इस व्रत का फल प्राप्त होता है तो ये है आज की वीडियो आशा करती हूं आपको पसंद आई होगी अगर निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित तो कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके प्रश्नों का सही समय पर उत्तर दे सकूं तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार